हीन वाला। प्रत्येक जाति या धर्म में बुरों की अपेक्षा अच्छे लोगों की संख्या अधिक होती है। ये अच्छे लोग किसी भी परिस्थिति में अपनी सज्जनता नहीं त्यागते, भले ही सांप्रदायिक दंगे हों या कुछ और। इस कहानी का नायक खान हींग वाला भी एक ऐसा ही भला इंसान है, जो दंगों में फंसे ऐसे बच्चों को बचाता है जो उससे घृणापूर्ण व्यवहार करते थे। अम्मा हींग लेगा, कहता हुआ खान लगभग 35 साल का आंगन में आकर रुक गया। पीठ पर बंधे हुए पीपे को खोलकर नीचे धर दिया और मौलश्री के नीचे बने हुए चबूतरे पर बैठ गया। भीतरी बरामदे से एक 9-10 बरस के बालक ने बाहर निकलकर उत्तर दिया, अभी कुछ नहीं लेना है, जाओ। पर खान इतने में भला क्यों जाने लगा। वह जरा और आराम से बैठ गया और अपने साफे के छोर से हवा करता हुआ बोला, अम्मा हींग ले लो। अम्मा हम अपने देश को जाता है, बहुत दिनों में लौटेगा। सावित्री इस हम उम्र बेटे की बात शायद ही कभी टाल सकी हो। रसोई घर से हाथ धोकर वह बाहर आई और बोली, हींग तो बहुत सी रखी है खान, अभी 15 दिन भी तो हुए नहीं जब तुमसे हींग ली थी। खान ने जैसे सावित्री की बात सुनी ही ना हो उसी स्वर से फिर बोला, हेरा हींग है माँ, हम तुम्हारे हाथ की बहुनी मांगता है, एक ही तोला ले लो, पर लो जरूर, हम देकर जाएगा। इतना कहकर खान ने हींग के छोटे बड़े कई डिब्बे खोलकर रख दिए। सावित्री उन डिब्बों की तरफ देख भी ना पाई थी कि उसने त्वरित गति से एक डिब्बा सावित्री के सामने सरकाते हुए कहा, तुम और कुछ मत देखो अम्मा, यह है हींग, एक नंबर है, हम तुम्हें धोखा नहीं देगा। सावित्री बोली, पर मैं इतनी हींग लेकर करूंगी क्या, ढेर सी पहले ले रखी है। खान बोला, कुछ भी ले लो अम्मा, हम देने के लिए आया है, घर है पड़ी रहेगी, फिर आज हम अपने देश को जाता है, खुदा जाने कब लौटेगा। और खान बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए हींग तौलने लगा। इस पर सावित्री के बच्चे बहुत नाराज हुए, सभी बोल उठे, मत लेना माँ, तुम कभी ना लेना, जबरदस्ती तौले जा रहा है। जब खान ने हींग तौलकर पुड़िया बनाकर सावित्री के सामने रख दी, तब सबसे छोटे बच्चे ने पुड़िया उठाकर खान के पास फेंकते हुए कहा, ले जाओ, हमें नहीं लेनी है, चलो माँ भीतर चलो। सावित्री ने किसी की बात का उत्तर नहीं दिया, उसने हींग की पुड़िया उठा ली और 5 पैसे तोले के भाव से 6.25 आने लाकर खान को दे दिए। खान सलाम करके चला गया। सावित्री के बच्चों को माँ की यह बात अच्छी नहीं लगी, वे तीनों बहुत नाराज थे। उन्हें यही लग रहा था कि माँ ने खान को तो इतने पैसे दे दिए, अभी हम मांगे तो कभी ना दे। 6 साल का छोटा बच्चा बोला, भैया माँ से पैसे मांगो, हम लोग मलाई का बर्फ खाएंगे। बड़े लड़के ने कहा, माँ तुमने खान को यूं ही इतने पैसे दे दिए, हींग की जरूरत ही नहीं थी। इसके आगे उसे कुछ कहने का साहस ना हुआ, पर छोटे के कानों में मलाई की बर्फ वाले की आवाज गूंज रही थी, मलाई का बर्फ, ठंडा बर्फ। वह माँ से बिगड़कर बोला, दो माँ, 6 आने पैसे हमको भी दो, हम बिना लिए ना रहेंगे। 8 साल की लड़की भी गंभीर स्वर में बोली, तुम माँ से पैसा ना मांगो, वे तुम्हें ना देगी, उनका बेटा तो वही खान है, हम नहीं हैं। सावित्री को बच्चों की इन बातों पर हंसी आ रही थी, किंतु उसने अपनी हंसी दबाकर बनावटी क्रोध में कहा, चलो हटो, बड़ी बातें बनाने लग गए हो, खाना तैयार है खाओ। छोटा बोला, पहले पैसे दो, तुमने खान को दिए हैं। सावित्री ने कहा, अच्छा चलो पहले खाना खाओ, फिर रुपया तोड़ाकर 6-6 आने दूंगी। खाना खाते खाते हिसाब लगने लगा, रुपए में 16 आने, 6 आने रतन लेगा, 6 मुन्नी, छोटे के लिए तो 4 आने ही बचेंगे। छोटा बिफर गया, कभी नहीं,
मैं 6 आने लूंगा। यदि मुन्नी ने 4 आने लेना स्वीकार न कर लिया होता तो दोनों भाइयों में तकरार की नौबत आ गई होती। कई महीने बीत गए, सावित्री की सब हींग खत्म हो गई। इसी बीच होली आई। होली के अवसर पर शहर में दंगे हो गए, बहुत से लोग मारे गए। मरने वालों में 2 खान भी थे। इससे खान लोगों ने बड़ा उत्पात मचाया। सावित्री कभी कभी सोचती, हींग वाला खान तो नहीं मार डाला गया। फिर सोचती, मार डाला गया हो तो मरने दो, दूसरे हींग वाले भी तो होंगे। परंतु न जाने क्यों उस हींग वाले खान की याद उसे प्राय आ जाया करती। एक दिन सवेरे सवेरे सावित्री उसी मौलश्री के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठी कुछ बीन रही थी। स्कूल की छुट्टी थी, तीनों बच्चे आसपास खेल रहे थे। सावित्री ने सुना उसके पति किसी से कड़े स्वर में कह रहे हैं, क्या काम है, भीतर मत जाओ, यहीं रुको। उत्तर मिला, हींग है हींग, हेरा हींग। और खान तब तक आंगन में सावित्री के सामने पहुंच चुका था। खान को देखते ही सावित्री ने कहा, बहुत दिनों में आए खान, हींग तो कब की खत्म हो गई। खान देश को गया था अम्मा, परसों लौटा हूँ, सावित्री ने बताया। यहाँ तो बहुत जोरों का दंगा हुआ, खान बोला। खान भी सुना, समझ नहीं है लड़ने वालों में। सावित्री ने पूछा, खान दंगे की खबर सुनकर भी तुम हमारे घर चले आए, तुम्हें डर नहीं लगा? दोनों कानों पर हाथ रखते हुए खान बोला, ऐसी बात मत कहो अम्मा, बेटे को भी क्या कभी माँ से डर हुआ है, जो मुझे होता। इसके बाद उसने अपना डिब्बा खोला और एक छटाक हींग तोलकर सावित्री को दी। चिल्लर दोनों में से किसी के पास न थी। खान पैसा फिरा कर ले जाएगा, कहता हुआ खान सावित्री को सलाम करके चला गया। दशहरा हिंदुओं का बड़ा त्योहार होता है। होली पर दंगा हो चुका था, अभी किसी प्रकार की दंगे की आशंका न थी। शहर में सब जगह शांति थी। हिंदू होली ना जला सके थे, इसलिए दशहरा दूने उत्साह के साथ मनाने की तैयारी में थे। 4 बजे शाम को काली का जुलूस निकलने वाला था। सावित्री के बच्चों ने कहा कि हम भी काली का जुलूस देखने जाएंगे। सावित्री स्वभाव से ही भीरू थी, फिर भला बच्चों को कैसे भेज दे। उसने बच्चों को पैसों का, खिलौनों का, सिनेमा का प्रलोभन दिया, पर बच्चे ना माने सो ना माने। नौकर श्यामू स्वयं जुलूस देखने को बहुत उत्सुक हो रहा था। उसने भी कहा, भेज दो ना माँ जी, मैं अभी तो दिखा कर लिए आता हूँ, मोहल्ले के और लोग भी तो गए हैं। और श्यामू ने कई कल्पित नाम गिना दिए। विवश लाचार सावित्री को इच्छा ना होते हुए भी बच्चों को भेजना ही पड़ा। बच्चे तो खुशी खुशी जुलूस देखने गए, और इधर सावित्री के प्राण जैसे मुरझा से गए। अब घर में वही थी और उसका साल भर का गोदी का बच्चा। बच्चों को भेजने के साथ ही सावित्री उनकी लौटने की प्रतीक्षा भी करने लगी। कभी भीतर जाती, कभी बाहर आती। देखते ही देखते दिन ढल चला, अंधेरा भी बढ़ने लगा, पर सावित्री के बच्चे ना लौटे। अब सावित्री को न भीतर चैन था न बाहर। इतने में उसे कुछ आदमी सड़क पर भागते हुए जान पड़े। वह दौड़कर बाहर गई, उन आदमियों से पूछा, ऐसे भागे क्यों जा रहे हो, काली का जुलूस तो निकल गया ना? एक आदमी ने बताया, दंगा हो गया माजी, दंगा, बड़ा भारी दंगा, पुलिस ने गोली चला दी है, लाशों के मारे सड़क बंद हो गई है, हजारों आदमी मर गए। सावित्री के हाथ पैर जैसे ठंडे पड़ गए, अब क्या करे। उसने उन्हीं में से एक देहाती से कहा, भाई मेरे बच्चों की खबर ला दो, 2 लड़के हैं, 1 लड़की है, मैं तुम्हें इनाम दूंगी। उस देहाती ने जवाब दिया, का हम तुहार बच्चन का पहचानत है माँ जी, फिर जान से प्यारा कुछो नहीं होत, जहाँ इतनी गोली चली रही, घोड़ा दौड़त है को मरण को जावे, इनाम देव चाहे खजानो लड़ देव के न जाई। सावित्री सोचने लगी, सच तो है, इतनी भीड़ में भला ये देहाती मेरे बच्चों को
खोजता भी कैसे? उससे बच्चों की खबर लाने के लिए कहना ही भूल थी, पर करे भी तो क्या करे, आखिर उसने बच्चों को अकेले भेजा ही क्यों, वे तो बच्चे ठहरे, जिद तो करते ही, पर भेजना ना भेजना तो उसी के हाथ की बात थी। अगर वह ना भेजती तो क्या बच्चे जबरदस्ती चले जाते? और वह श्यामू, जब देखो तब अपनी टांग अड़ा देता है, अभी दिखा कर लाता हूं माँ जी, और उसका अभी अभी तक हुआ ही नहीं। सावित्री का हाल बेहाल, पति शहर में है नहीं, वह खुद गोद के बच्चे को अकेला छोड़कर जा नहीं सकती, मोहल्ले में कोई बड़ा सयाना दिख नहीं रहा, सबके सब कहीं अटके पड़े हैं, आखिर सहायता के लिए कहे तो किससे कहे? बच्चों की मंगल कामना के लिए उसने सभी देवी देवता मना डाले। शोरगुल बढ़कर शांत हो गया, रात के साथ साथ नीरवता बढ़ चली, पर उसके बच्चे लौट कर ना आए। अब शायद उसके बच्चे लौट कर ना आएंगे, सावित्री ने मन ही मन यह कल्पना की, और हताश होकर सोए हुए बच्चे के पैताने जाकर गिर सी पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। उसी समय उसे ऐसा जान पड़ा जैसे कोई गाड़ी आकर उसके दरवाजे पर रुकी हो, और उसे वही चिर परिचित स्वर सुनाई पड़ा, अम्मा। सावित्री दौड़कर बाहर गई, उसने देखा तीनों बच्चे खान के साथ सकुशल लौट आए हैं। खान ने सावित्री को देखते ही कहा, बहुत अच्छा नहीं अम्मा, बच्चों को ऐसी भीड़ भाड़ में बाहर ना भेजा करो। फिर सावित्री को खान से ही मालूम हुआ कि दंगा जरूर हो गया था, पुलिस को झूठे फायर भी करने पड़े, अलबत्ता दंगे के दौरान मरा कोई नहीं, कुछ लोग घायल हुए हैं, वे भी पुलिस की गोली से नहीं पत्थरों से। अब सब जगह शांति है। बच्चे दौड़कर सावित्री से लिपट गए। छोटे ने कहा, अम्मा खान बहुत अच्छा है, दंगा होते ही श्यामू तो हमें छोड़कर भाग गया, खान ने ही हमें बचाया, वरना हमें भी चोट आती। सावित्री ने पूछा, अच्छा अब तो खान से हींग लेने दोगे? बच्चों ने एक स्वर में कहा, हाँ हाँ जरूर लेने देंगे, खान तो हमारा दोस्त है। खान ने डपट कर कहा, नहीं दोस्त नहीं, हम तुम्हारा भाई है भाई। लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान।